एक बार शरीर के सारे अवयव एक दूसरे के साथ झगड़ने लगे। ये कहानी है। और वो कहने लगे कि हमारे बिना तो जीवन बहुत खराब हो जाएगा। आंखें कहने लगी कि अगर आंखें नहीं हो तो क्या जिंदगी बची। कान कहने लगे कि हमारे बिना क्या जिंदगी बची। जीभ कहने लगी कि वो नहीं तो क्या बचा। तो इस तरह सारे अवयव एक दूसरे के साथ लड़ने लगे कि हम सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब नक्की किया कि एक के बाद एक सब हटो और देखें उसके बिना जिंदगी कैसे चलती है। तो आंखें हट गई लेकिन जिंदगी चल रही थी। कान हट गए, जिंदगी चल रही थी। तो इस तरह सब ने अपना अपना देखा। फिर प्राण, शरीर का जो प्राण था उसने हटना शुरू किया। जैसे ही हटना शुरू किया सब चिल्लाए कि अरे अरे तुम कहीं मत जाओ, तुम्हारे बिना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अस्तित्व ही नहीं बचेगा। तब ये बात बड़ी सीधी सी है और यही योगियों ने भी देखी कि प्राण कितना ज़रूरी है। प्राण के बिना कोई भी चीज़ काम नहीं कर सकती और इसीलिए हमें अपने प्राण पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी कि जिससे प्राण का व्यय हो, फालतू नुकसान हो। ये वो नुकसान होने वाली बात है। तब ये देखा गया है कि कोई भी चीज़ जब हम ज़रूरत से ज़्यादा कर देते हैं या नहीं करते, कम करते हैं, तो प्राण का व्यय होता है। जैसे आपने ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लिया, अब क्या हुआ? आपने खाना खा लिया, अब उसको पचाने के लिए प्राण का उपयोग करना पड़ा। खाना पचाना पड़ता है ना। अब हो गया, अब उसमें से प्राण मिला लेकिन शरीर थक चुका है और इसलिए जो भी खाना खाया शरीर या तो उसको जमा करेगा या उसको फेंक देगा। तो वो खाने का भी उपयोग नहीं और शरीर में कमी आ गई। इसी तरह हम ज़्यादा सोए तो प्राण का व्यय है, हम कम सोए तो प्राण का व्यय है। जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो प्राण की कमी हो जाती है और जब हम आलस में रहते हैं तो भी प्राण की कमी हो जाती है। इसलिए हर चीज़ हमें युक्त यानी बैलेंस में करनी ज़रूरी है। युक्ताहार विहारस्य, युक्त यानी बैलेंस में आहार करो, विहार करो, कर्म करो, सो उठो, ये सब बैलेंस में होना ज़रूरी है। जब ये होगा तो फिर हम प्राण को सही मात्रा में रख पाएंगे और उसका सही उपयोग होगा तो हमारा जीवन भी बहुत ही सही होगा और जीवन में हमेशा वो एनर्जी बनी रहेगी जिसकी हमें हमेशा ज़रूरत है। तो याद रखिए और इस तरह जीवन जीना शुरू कीजिए।